फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन वेक्टर्स। सो फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है दुनिया में, या तो वो स्केलर हो सकती है, या तो स्केलर हो सकती है, या तो वेक्टर हो सकती है। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या तो वो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। स्केलर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई दिशा नहीं है, नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड दिशा है, डायरेक्शन है। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कितने बजे है बोलो। अरे बोलो, 4:47 4:47 हुए हैं। कौन सी दिशा में? अरे कौन सी दिशा में? है ना? कोई दिशा है टाइम को? कोई दिशा नहीं है ना? टाइम को कोई दिशा नहीं होती, और इसलिए टाइम क्या है? स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी टाइम को कहा जाता है। ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का टेम्परेचर कितना है भाई औरंगाबाद में, बोलो, व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे? सो टेम्परेचर पूछा जाए तो आप बोलोगे सर आज तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो भी है कम होगा, शायद 31 डिग्री। 32 डिग्री सेल्सियस ओके, 32 डिग्री सेल्सियस है। कौन सी दिशा में है? कोई दिशा नहीं है ना? देर इज नो डायरेक्शन। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर इज डायरेक्शनलेस, कोई दिशा नहीं है उसको, है ना? स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई दिशा नहीं होती। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई मैंने जाके दीवार को धक्का मारा, फोर्स दिया मैंने, ठीक है, मैंने जाके दीवार को धक्का मारा, तो मैंने धक्का कौन सी दिशा में मारा ये तो हम बोल सकते हैं ना। इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप जा रहे हो कौन सी दिशा में, तो वो दिखाने वाला है आपका वेलोसिटी। सो सिमिलरली फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो स्केलर है, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो वेक्टर है। तो ये वेक्टर्स को बहुत डिटेल में आज हम पढ़ेंगे, जिसको डायरेक्शन होती है। ठीक है। सो वेक्टर्स आर डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। तो इनको हम वेक्टर्स से जानते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लिखा भाई फोर्स, तो मैं लिखूंगा ना कि फोर्स होता है 15, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट होता है न्यूटन, है ना, 15 न्यूटन। लेकिन कौन सी दिशा में? तो टुवर्ड्स, मान लो कि टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट पूर्व की दिशा में मैंने ये फोर्स लगाया, तो इसका मतलब 15 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। और टुवर्ड्स ईस्ट क्या हो गया? उसका डायरेक्शन हुआ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें जिस चीज को होंगी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? राइट। क्या समझ में आया? अरे हाँ, यस आप सर। ना बोलो,
हाँ चलो कमेंट में बोल रहे हैं, ओके। हाँ बहुत बढ़िया जी, हाँ ठीक है, शाबाश। चलो इसको भी समझ में आया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया, फटाफट लिखना है, वेट नहीं करना है। तो दुनिया में दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है उसको दिशा ही नहीं है, दिशाहीन है, लेकिन वेक्टर का मतलब होता है उसको दिशा है, डायरेक्शन है, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है ना। तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। ये हमने समझ लिया। अब ध्यान दो कि अगर हम कहें कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन पहले सीख लेते हैं, सब लोग इसको अच्छे से ध्यान दें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है इसको पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है इक्वेशन वाला। ठीक है, पिक्टोरियल का मतलब होता है कि जब आप एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, मान लो कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, और आपने एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक कोई ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक ऐसा एरो है, एक एरो है, एरो बाण, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, जो आपके दिए हुए क्वांटिटी को दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्वांटिटी है मान लो कोई भी क्वांटिटी मान लो, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी को दिखाने के लिए आपने क्या किया बेटे, ये एक एरो ड्रॉ किया। इस एरो का जो दिशा है वो वेलोसिटी के दिशा में है, और इसका लंबाई, इस एरो का जो लेंथ होगा, इस एरो का जो भी लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर अगर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो एरो रिप्रेजेंट्स, एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसका जो डायरेक्शन है, इस एरो का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब एरो का डायरेक्शन, और इस वेलोसिटी, इस एरो का जितना लंबाई होगा, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो, इस एरो का जो भी लेंथ होगा वो होगा आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उसका मेजरमेंट जो भी होगा वो उसकी लंबाई से दिखाया जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या किया हमने, हमने एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जिस दिशा में वेलोसिटी है उस दिशा में एक बाण तैयार किया, ऐसा बाण तैयार किया कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये बाण दिखाएगा, और उसका जो लंबाई है, उसका लेंथ है उस एरो का, वो लेंथ दिखाया जाएगा उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वेलोसिटी है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी आपकी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो एरो है, इस एरो का लंबाई कितना होगा, 60 होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, इस एरो का लंबाई 60 ले लेंगे अपन। उसी तरह
अगर फोर्स है आपका 50 न्यूटन, फोर्स अगर आपका है 50 न्यूटन, तो इस एरो का लंबाई कितना मिला है आपको? 50 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से वेक्टर को हम दिखाते हैं। ये पहला रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन, अब ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है देखिए, ध्यान दीजिए। इस दूसरे रिप्रेजेंटेशन में प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि ये जो एरो है, तो इस एरो को हम सिर्फ डायरेक्शन या अपने लंबाई से नहीं दिखाते, तो हम क्या करते हैं कि इस एरो से लेकर नीचे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करेंगे। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और यहां से लेकर एक ऐसे ये बनेगा आपका, तो यहां तक अगर ये है आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यहां से लेकर यहां तक जितना लंबाई होगा उसको वी एक्स इस नाम से हम जानते हैं, और यहां तक जो लंबाई होगा तो इसको वी वाई इस नाम से जानते हैं। और अब आपको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका ऐसा है कि जो भी वेक्टर है आपका उसको वी बार, इसके माथे पर एक ऐसा बाण लगाना है आपको, और इसको पढ़ा जाता है वी बार। ठीक है, तो वी के माथे पर एक ऐसे बाण लगाया जाता है वी बार, तो इसको लिखा जाता है ऐसे, वी बार इज इक्वल टू, ये जो वी एक्स है बेटे, ये वी एक्स का लंबाई इंटू आई कैप। अब ये आई कैप क्या होते हैं इसको आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम। तो आई कैप एक्स एक्सिस को दिखाता है। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस पे, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और उसी तरह प्लस वी वाई, और ये दिखाता है जे कैप मतलब वाई एक्सिस को। आई कैप किसको दिखाता है? आई कैप दिखाता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, और जे कैप किसको दिखाता है? वाई एक्सिस को दिखाता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो ये कैसा फॉर्म है देखिए, इसमें क्या किया हमने, जो भी अपना वेक्टर था, जो भी अपना एरो था, उस एरो से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पर लंबाई कितना हुआ? वी एक्स। वाई एक्सिस पर कितना लंबाई हुआ? वी वाई। और फिर हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को लिखा वी बार इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के ऊपर लंबाई इंटू आई कैप प्लस वाई एक्सिस के ऊपर इसका लंबाई इंटू जी कैप। बात खत्म। इसको कहा जाता है इक्वेशन फॉर्म। और इसमें आई कैप और जी कैप, आई कैप दिखाता है एक्स एक्सिस को, जी कैप दिखाता है वाई एक्सिस को। ये आई कैप जी कैप क्या है, ये रहस्य बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा, आगे लेक्चर में आएगा, लेकिन थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो आई कैप जी कैप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, वो यूनिट वेक्टर्स हैं, आगे जाके उनको पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इक्वेशन को लिखते समय हमें इस तरह से इसको लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई जी? यस सर। वेरी नाइस, वेरी गुड। बाकी लोग, सब लोग बोलेंगे तो मजा आएगा। यस सर। हाँ यस हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कुछ लोग कमेंट करके भी बोल रहे हैं, कार्तिक हैं, यस बोल रहा है, ठीक है, वेरी गुड। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही है ना? तो दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हो गए,
हाँ थर्व को भी समझ में आया, वेरी गुड, कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, एक तरीका होता है पिक्टोरियल, दूसरा तरीका होता है इक्वेशन। पिक्टोरियल में क्या करते हैं हम, उसको एरो से डिनोट करते हैं, जिसका डायरेक्शन होगा आपके एरो का डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा आपका एरो, और उसी तरह उसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द एरो, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका मतलब है। तो इसको तो हम अच्छे से समझ गए, है ना, बहुत बढ़िया। ओके सो नाउ, या तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह ये दो मेथड्स को देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अलग अलग टाइप्स के कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला टाइप होता है उसको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो बेटे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, जब मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मान लो कि मैंने एक वेक्टर ले लिया इस दिशा में और दूसरा एक वेक्टर ले लिया उसी दिशा में, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि ये है एक आदमी है, एक कार है मान लो, सो दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी, तो कार ए का वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं, तो इसको बोलूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ कार ए बार, बार मतलब ये वेक्टर बन गया, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है, दो अलग अलग कारें हैं जिनका वेलोसिटी वी ए बार और वी बी बार से मैं दिखा रहा हूं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर मैं लिखूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, या वी ए बोलना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, तो ए के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसका मेजरमेंट, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, वो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका होता है ऐसे, दो ऐसे लाइंस के बीच में हम जब दिखाते हैं तो इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए, क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए, ऐसा इसको कहा जाता है, ठीक है, ये इसको दिखाने का तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, तो दो लाइंस के बीच में, ठीक है, ये क्या है, ये दिखाने का सिंबल है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी इसको लिखा जाता है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पहले के वेलोसिटी का और दूसरे के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वी बी, अगर वी ए और वी बी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अगर सेम है, तो हम कहते हैं देन देन वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू वी बी, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं ऐसा हम कह सकते हैं, तब ये दोनों वेक्टर इक्वल है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ मान लो कि एक वेक्टर है इस दिशा में, दूसरा वेक्टर है इस दिशा में,
भले ही दोनों, इसका लंबाई है तीन और इसका भी लंबाई है तीन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, गड़बड़ है, समझे? ये ए इक्वल्स टू है थ्री, ये बी इक्वल्स टू है थ्री, लेकिन ए का जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन से अलग है, तो ए और बी इक्वल होंगे क्या? नहीं। तो ये वेक्टर में बात याद रखनी है कि भले ही दोनों का मेजरमेंट सेम हो, लेकिन अगर दोनों का दिशा सेम नहीं है तो वो कभी इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो क्या है इक्वल वेक्टर्स? हाँ जी, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी होना चाहिए, ये पहली बात। मैग्नीट्यूड को दिखाते कैसे हैं? ऐसे दो लाइंस के बीच में वी ए, और वैसे ही दो लाइंस के बीच में वी बी, मतलब मैग्नीट्यूड होता है उसका, दिखाने का तरीका है, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी दोनों अगर इक्वल हो, मतलब मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट होता है, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, और उसके साथ साथ क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन। उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वी बी, राइट? डायरेक्शन ऑफ वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वी बी। अगर ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर बन गए, वी ए एंड वी बी आर इक्वल वेक्टर्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? करेक्ट? यस सर। वेरी नाइस। तो इस तरह से हमने देखा। हाँ समृद्धि, तुझे कुछ बोलना है? नो सर, गलती से हो गया। हाँ, सो लेट अस कंसिडर, ये इक्वल वेक्टर्स हो गए, ये समझा हमने, ठीक है। अब इसमें दूसरा होता है जिसका नाम है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स, अब दो वेक्टर निगेटिव एक दूसरे के कब हो सकते हैं तो इसको जानेंगे। आइए ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई भी दो वेक्टर्स को कंसिडर किया, मान लो कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स कुछ इस तरह से हैं कि ये जा रहा है कश्मीर तो ये जा रहा है कन्याकुमारी, क्यों भाई? है ना, एक जा रहा है कश्मीर को, एक जा रहा है कन्याकुमारी को, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। जैसे ये कोई एक मान लो कि इसको नाम दे देते हैं पी बार, और इसको नाम दे देते हैं क्यू बार। ये दोनों वेक्टर्स कुछ इस तरह से है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी, दो लाइंस के बीच में ये पी बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल्स टू दो लाइंस के बीच में क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी, पी का लंबाई क्यू के लंबाई के बराबर होना चाहिए, लंबाई दोनों का, उसका मेजरमेंट लंबाई, दोनों का लंबाई सेम होना चाहिए जी। बट डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू
मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू, मस्ट बी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट अगर है तो हम कह सकते हैं जी के पी बार ये वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बार, तो ये निगेटिव वेक्टर्स बन गए, इनको कहा जाएगा निगेटिव वेक्टर, है ना, पी बार इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बार। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्यू बार इज इक्वल टू माइनस पी बार, एक ही बात है ना, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, एक ही तो बात है, समझ में आया। तो p इक्वल्स टू माइनस क्यू या फिर q इक्वल्स टू माइनस पी बार, ऐसे इसको लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं निगेटिव वेक्टर्स। तो इसीलिए इसको जो दूसरा नाम है इसका, तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है इसका, इसको कहा जाता है अपोजिट वेक्टर्स। क्या कहा जाता है इसको? अपोजिट वेक्टर्स भी कहा जाता है, या फिर और एक नाम है इसका, इन्हीं को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल का मतलब एक दूसरे को पैरेलल तो है, एक दूसरे को पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सेम दिशा में पैरेलल नहीं बल्कि अपोजिट दिशा में पैरेलल, और इसीलिए एंटी पैरेलल इसी को कहा जाता है, समझाइए ठीक है। तो इस तरह से इसके और दो ये नाम भी याद रखो, या तो नेगेटिव वेक्टर बोलो, या तो अपोजिट वेक्टर बोलो, या तो एंटी पैरेलल वेक्टर बोलो, फटाफट लिखो फास्ट। तो क्या ये बात समझ में आई? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए कंपलसरी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और इसीलिए इनको हम निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। क्या ये फिजिक्स में काम में आता है? हाँ बोलो बेटे, कुछ पूछना चाहते हो क्या? लिख लिया सर। हाँ तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये फिजिक्स में काम में आएगा या फिर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं? हाँ सर, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आएगा, वेक्टर फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आएगा, अभी से बता रहा हूं, इसको बहुत तगड़ा प्रैक्टिस कर लो, वेक्टर के बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वेक्टर्स के बिना फिजिक्स है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो मैं इधर लिख देता हूं, फिजिक्स is made up of vectors, physics is made up of vectors, there is no physics without vectors, जहां पर vectors नहीं है वहां पर physics हो ही नहीं सकता, इसीलिए फिजिक्स में सबसे फिजिक्स की जान है वेक्टर्स, ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तगड़ा प्रैक्टिस इसका करना होगा। चलिए तीसरा टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है नल वेक्टर, या फिर इसी को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। अब ये जीरो वेक्टर क्या है? नल या जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, अगर कोई ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है जीरो और जिसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन पता ही नहीं है, अनडिफाइंड, ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है, सिंपल तीसरा, ठीक है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसका डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहा जाता है जी।
क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें समझ में आई होगी, तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ठीक है। तो ये निगेटिव वेक्टर्स तक हमने पढ़ लिया, ओके।